कीजिए, आप लोग सब कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप सोच रहे हो आज बड़ी सुंदर लग रही है। सुंदर हूँ मैं बचपन से। आप लोग सब कैसे हो? आप सबको मेरे कान्हा जी की हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू यू, टू एवरीवन, टू एवरी माय यूट्यूब फैमिली। आज मेरे कान्हा जी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि आज मेरे कान्हा जी के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो मैंने सोचा मैं अपने कान्हा जी के लिए थोड़ा सा राधा की लुक लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा राधा की लुक ली हूँ आज। थोड़ा ये फंस रहा है इसमें, तो इसको ऐसे दो, ठीक है? तो मैं सोचा कि चलो मैं अपने कान्हा जी के लिए कुछ करती हूँ स्पेशली। थोड़ा आज मैं आई ड्यूटी से, थोड़ा नींद आ रही थी तो सोई, फिर उसके बाद उठ के मैंने उनके लिए खाना बनाया। आज मैंने बनाया था पूरी और आलू बनाया था, और उनके लिए सेवइयां बनाई थी, और मैंने मीठा बनाया था, ठीक है? तो और मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा खाना लगा। मेरा तो फास्ट है, उनका नहीं है, तो मेरा फास्ट तो 12 o'clock के बाद ही होगा। तब मैं जब कान्हा जी को झूला जिलाऊंगी, उनका केक काटूंगी, मैंने केक भी मंगवाया है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है? मैं आपको ब्लॉग बना के दूंगी, तो आप जरूर देखना, ये मेरा ब्लॉग स्पेशल है थोड़ा सा मेरे कान्हा जी के लिए, ठीक है? तो आज मैं थोड़ा सा ऐसे तभी तैयार हुई हूँ, तो इसलिए मैं कह चलो मैं अपने कान्हा जी के लिए लुक लेती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है ऐसे लुक लेके उनके लिए स्पेशली। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी ये देख के। तो बस यही था, आज जन्माष्टमी है ना, इसलिए थोड़ा वही हो रहा है। तो अभी थोड़ा खाना खुना बन गया है, सिर्फ मैं ही पेंडिंग हूँ, वो मैं 12 बजे के बाद खाऊंगी। और मेरे कान्हा जी को भी मैंने भोग लगा दिया है, वो कान्हा जी भी खाना खा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने भोग लगाया है और क्या खाया है उन्होंने, ठीक है? तो चलो हम चलते हैं कान्हा जी की तरफ। थोड़ा सा प्री वेडिंग, मतलब प्री जो वेडिंग भी नहीं बोल सकते, मतलब प्री बर्थडे जो शूट होता है ना, वो कर रही हूँ थोड़ा सा। 12 बजे इनका जन्मदिन हो जाएगा, तो हम 12 बजे सेलिब्रेशन करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले ना वो अपन ने भजन लगाए थे, आरती किया, सब किया, तो मैं आपको इधर शो करूंगी कि मैंने आरती भी किया है उनको भोग लगाने के टाइम पे, तो वो सब किया है। तो चलो मैं चलती हूँ उधर आपको लेके। तो अभी मेरे कान्हा जी के लिए रोटी भी रखी है, तो वो खाएंगे अभी, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके, चलिए। देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ आपको, कान्हा की लुक में कैसी लग रही हूँ आप बताओ मेरे को कमेंट करके, कि मैं आज कान्हा की लुक में राधा रानी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, आप बताना। मेरी सासू मम्मी ने तो मेरे को बोल दिया कि तू राधा रानी लग रही है, मम्मी ने भी बोल दिया कि राधा रानी लग रही है, मेरी सिस्टर ने भी बोल दिया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी बोल दिया, सब ने बोल दिया मेरे को कि राधा रानी लग रही है। तो आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ ये व्लॉग जो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, पक्का राधा रानी लग रही हूँ कि मैं कुछ और लग रही हूँ, आप बताना प्लीज, ठीक है? तो चलो अभी हम चलते हैं अपने कृष्ण जी के पास, तो देखते हैं वो उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है? तो चलो चलते हैं, चलिए चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने उनके लिए खाना रखा है, तो वो अभी तो ये खाना खा रहे हैं, तो देखा बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं, तो दिखाती हूँ बाद में कि उनका क्या, कैसे कैसे सेलिब्रेशन करना है, कैसे नहीं करना है। मेरे हस्बैंड थोड़ा बिजी है, उनका कॉल आया है तो वो जा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा स्टोरी भी बताती हूँ जितना मेरे को मालूम है इनका, तो थोड़ा बता देती हूँ आपको स्टोरी में इनका। थोड़ा बैठ लेती हूँ। राधा रानी बनी हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है? तो जस्ट ऐसे बताती हूँ, क्योंकि जो धार्मिक स्टोरीज होती है ना, मेरे को ये जो मतलब स्पिरिचुअल जो फीलिंग है ना, वो अलग ही फीलिंग है। मैं आपको बताती हूँ, आप भी कभी ये फीलिंग लेके देखना, बहुत अच्छी फीलिंग रहती है स्पिरिचुअल वाली। तो कान्हा जी का बर्थडे हुआ था एक, जब देवकी जी, उनकी माँ जी, अपने वो अपने भाई जो कंस था, उन्होंने उनको कारावास में डाला था, ठीक है? जब उनको पूरा वो राज्य, पूरा अपना घर वगैरह सब मिल गया था, तो उन्होंने उधर उसको मतलब माता रानी को उधर डाला था कारावास में। तो कारावास में उनके 7 बेटियां हुई और कंस ने उन 7 बेटियों को मार दिया था, ठीक है? तो उसके बाद जो 8वां हुआ था, भविष्यवाणी हुई थी जो 8वें होंगे वो अवतार कृष्ण के आएंगे, तो उन्होंने 8वां अवतार कृष्ण का लिया। और जो नंद बाबा थे, उन्होंने क्या किया, उनका जो वो थे
कृष्ण जी थे उनको बचाने के लिए उनकी ऐसी लीला रची, कृष्ण जी ने ऐसी लीलाएं रची कि वहाँ पे जो कारावास में जो सिपाही थे वो सब उधर में जो आदमी थे खड़े हुए थे उनकी वो जो कर रहे थे मतलब वो उनके जो दासे थे दास थे कंस के, उन्होंने उनके लिए छोड़ा था कि ताकि भाग ना सके वो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीलाएं रची कान्हा जी ने, उनको सबको बेहोश कर दिया, अपने जो ताला वगैरह रहते हैं वो सब अपने आप खुल गए और दरबार भी अपने आप खुल गए। तो नंद जी क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो लेके गए उधर और अच्छे से लेके गए और टोकरी में लेके गए। देखो मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे लेके गए वो, क्योंकि उनका रास्ता था कि उन्होंने जाना था, उन्होंने बचाना था ताकि वो जो अपना लीलाएं हैं वो सब रिचा सके और जो कंस का है वो वध कर सके बाद में आने के टाइम पे। क्योंकि वो जो कंस था, मैंने जैसे देखा है सीरियल्स में, जैसे सुना है, जो कंस था उन्होंने बहुत दुख ढाए थे पूरी पब्लिक पे, पूरी जो उधर पूरी सेना थी, मतलब पूरा जो था वो सारा उन्होंने बहुत परेशान किया था सबको। तो इसलिए वो कृष्ण जी अवतार लिया था ताकि जो ये सारे दुख है नष्ट हो जाए सबके और सुख आ जाए, ठीक है, तो प्रेम आ जाए। स्पेशली उन्होंने जन्म तब लिया था जो प्रेम था उनकी भाषा समझाने के लिए राधा और कृष्ण जी ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, राधा जी जब जन्म लिया था, जन्म क्योंकि राधा जी को भी, मैं आपको राधा जी की स्टोरी सुनाती हूँ कि राधा जी को भी श्राप मिला था अश्वधामा से, क्योंकि अश्वधामा राधा को नहीं मानते थे क्योंकि वो उनकी प्रेमिका थी, इसलिए नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण जी अंदर थे रूम में, वो गोकुल में रहते थे, अंदर थे रूम में, और राधा जी ने क्या किया, वो जाने की कोशिश की, अश्वधामा ने रोका, 3 बार रोका पर नहीं रुके राधा जी। फिर उन्होंने क्या किया, चले गए, तो अश्वधामा ने पीछे से शराब दिया था राधा जी को कि राधा तुम 100 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहेगी, इसलिए राधा को 100 वर्ष मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था। तो उसके पीछे पीछे, राधा जी के पीछे पीछे मेरे कृष्ण जी भी जाने लगे। तो हर जन्म में मेरे कृष्ण जी आते रहे और उनका साथ देते रहे और प्रेम की लीलाएं रचते रहे और प्रेम का भाव बढ़ाते रहे और बताते रहे, ठीक है। तो ऐसा थी उनकी लीलाएं। तो जब कृष्ण जी आए थे, तब जब राधा जी आए थे जन्म लिया था, तो उन्होंने कितने दिन, पता नहीं मेरे को, मैं मालूम नहीं है मेरे को कितने दिन उन्होंने आंख नहीं खोली थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था कृष्ण जब मेरे सामने आएगा मैं तभी आंख खोलूँगी। तो जो लीलाएं रची थी, आप देखना राधा कृष्ण बहुत अच्छा सीरियल है, तो जो लीलाएं रची थी खुद पे खुद आए और उनको दर्शन दिए राधा को, तो फिर उन्होंने आंख खोली, ठीक है। मतलब बहुत ही, ये ना भाव जो है ना सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बोलती रहूँ, क्योंकि ये भाव बहुत अच्छे हैं, मैं यही बस यही बोलती हूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने जन्म लिया था सबका, मतलब जो राक्षस थे सबके, जो मतलब बुरा उधर प्रभाव डाल रहे थे पूरी दुनिया पे, तो उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये जन्म लिया था, ठीक है। तो उनका ये लीलाएं, उसमें बहुत सारी लीलाएं रची। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नंद जी लेके गए, तो नंद जी ने क्या किया, टोकरे में डाला। देखो यमुना जी क्रॉस किया ना, यमुना जी भी मतलब साइड पे हट गए, उनका रास्ता दिया ताकि जाने के लिए, इतना यमुना था, इतना बड़ा था, मतलब पूरा पहाड़ की तरह बनाया, तो क्या बोलूँ मैं, उतनी लीलाएं रची उन्होंने। तो यमुना जी भी साइड हो गए, बीच से रास्ता बनाया जाने के लिए नंद जी को, ठीक है। तो वो गए और उन्होंने उनको, मतलब जो कृष्ण के पिता थे उन्होंने क्या किया, उनको टोकरे में डाला और जो अपना राधा के घर पे छोड़ के आ गए, ठीक है। तो उनका बेबी अपने साथ में लेके आए, जैसे लेके आए बेबी को, वो कंस ने देखा कि ये 8वां पुत्र है, तो उसने उनको मार दिया और सोचा कि ये 8वां पुत्र था, बस अभी मर गए, अभी मेरे पे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, उन्होंने ये सोचा। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि कृष्ण जी की लीलाएँ लग ही है और कृष्ण जी की लीलाएँ मतलब अपरंपार है और वो कृष्ण जी कहीं और है, ठीक है, वो नहीं सोचा उन्होंने। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो सीरियल भी बहुत अच्छा लगा, मतलब चलो देखो भगवान की लीलाएं तो रचते ही है, पर भगवान इधर आके भी रच रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत लीलाएं रची उन्होंने, तो ऐसे उनका जन्म हुआ। तो जन्म के दिन उनको नहलाते हैं अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया व्लॉग में यस्टरडे में, नहलाया अच्छे से, फिर उनका जन्म मतलब सब कुछ किया, तैयार किया, भोजन बनाए, ठीक है, सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे
करने के लिए आपको भी बहुत अच्छा लगता हो। मैक्सिमम पब्लिक ने ऐसे मतलब किया होगा सेलिब्रेट आज का दिन के लिए, जन्माष्टमी, कृष्ण का श्रृंगार भी सब कुछ किया रहेगा, पर जितना मेरे से हो सका मैंने किया है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस ब्लॉग को एंड इधर ही करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली फास्ट रखा है ना, थोड़ा बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है सर घूम रहा है। तो अभी थोड़ा मैं जाके भजन करूँगी, आपको दिखाती हूँ भजन में करती हूँ। ठीक है, तो मैं भजन करूँगी, थोड़ा सा गाऊँगी, आरती वगैरह सब तो हो चुकी है, थोड़ा भजन करूँगी 12 बजे तक। तो फिर उसके बाद हम केक काटेंगे, फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद में खाना खाऊँगी, फिर सो जाएंगे। कल आज तो मॉर्निंग ड्यूटी थी, कल इवनिंग ड्यूटी है, तो इवनिंग ड्यूटी पे जाऊँगी कल मैं। ठीक है, तो आप मेरा सब मेरे यूट्यूब फैमिली मेरा व्लॉग जरूर देखना, ताकि आपको भी पता चले कि चलो सबको पता है स्टोरी, तो मेन मेन स्टोरी पता ही है, पर चलो मैंने भी बता दिया, हो गया, कुछ नहीं है। पर अच्छा है कि सबको मालूम होना चाहिए स्टोरी के बारे में, हमारा जो पूरी दुनिया को बनाया है जिन्होंने, उनके बारे में सब मालूम होना चाहिए, हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भाव दिया है अपना और थोड़ा सा बताया है इधर। तो आप जरूर मेरा ब्लॉग देखना, ये वाला बहुत अच्छा रहेगा ब्लॉग ये, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो अच्छे से कि मैं राधा रानी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, आप जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो मैं मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मेरे को मेरे यूट्यूब फैमिली ने मेरे को पसंद किया है और मेरे को बोला है राधा रानी लग रही है। ठीक है, तो आप प्लीज़ देखना मेरा ये ब्लॉग, और ध्यान रखो हमेशा। अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, मेरे कान्हा जी का बर्थडे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और मेरे कान्हा जी आप सब पे और मेरी पूरी फैमिली पे सब पे अपना हाथ बस बनाए रखे, अपना बस हमें अपने चरणों में लगाए रखे, कोई गलती ना करवाए, सब प्रेयर करना, कोई गलती ना करवाए, कभी घमंड ना लेके आए भगवान, प्लीज़ कभी मत घमंड लेके आना, किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी मत लेके आना, हमेशा पॉजिटिविटी देना हर किसी पर्सन में। ठीक है, अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो मजाल के किसी में लड़ाई होगी, तो प्लीज़ मेरे कान्हा जी सब में पॉजिटिविटी देना, और सब यूट्यूब जो मेरे फैमिली है सबकी रक्षा करना, यूट्यूब फैमिली क्या पूरी दुनिया की रक्षा करना मेरे कान्हा जी। ठीक है, अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों के साथ रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी पूरी फैमिली के साथ रहना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो सब अपने आगे, हमेशा अपने भगवान को लेके चलो, जो भी जिस जिस भगवान को मानते हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। तो अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, तो आपके बताती हूँ भजन कैसे करते हैं, भजन करते हैं थोड़ा सा और इन्जॉय करते हैं मेरे कान्हा जी का बर्थडे का। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राधे कृष्ण की जय, बाय बाय, ध्यान रखो सब अपना, बाय बाय।